वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मुस्कान बिश्त। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आज है मेरे साथ मेरी दो प्यारी प्यारी दोस्त नेहा, जिसको तो आपने बहुत बार ब्लॉग में देखा होगा, और ये है मेरी दूसरी दोस्त ललिता, ये भी मेरी बचपन की दोस्त है। तो आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। बताओ कौन सा गेम है, बताओ बताओ। Who knows me better। हाँ, तो ना मैंने ना यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, तो मैं इन दोनों से आंसर्स पूछूंगी और जिसको आएगा वो लिखेगा और जो सही आंसर देगा उसे मिलेगा एक पॉइंट, और जो लास्ट में हम काउंट करेंगे जिसके सबसे ज़्यादा सही आंसर्स होंगे उसे मैं एक छोटू सा गिफ्ट दूंगी और उसके साथ साथ मोमोज भी खिलाऊंगी। तो अब मैं हेलो बोलने का मौका नहीं। हाँ यार बोलो बोलो। हाय गाइस। तो अब देखते हैं कि कौन जीतेगा और इससे बहुत सारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है इन दोनों से कि हम सबसे पहले कहाँ पे मिले थे, और तू भी लिख जल्दी लिखो, मुझे तो याद है। मुझे भी याद है। रुको नहीं, मुझे याद है इसका क्या लिखना। कौन जीतेगा गाइस, लिख दिया। चल पहले तू पढ़। ब्रिगेड टेल्स मोमोज। बूबू के घर में आई थी जब। अबे तुम पहले उससे वहां पे तो मिले थे स्कूल में, भूल गई? वो बाद में मिले थे। अबे चुप, 12th के बोर्ड में नहीं, वो पहले था, वो बाद में था, और टेल्स मोमोज में मतलब हमने पहले खाया था। अच्छा पहले टेल्स मोमोज में मिले थे। अच्छा हाँ सॉरी, उसके बाद तो तेरा 10th था। हाँ सही है इसका आंसर, राइट। बूबू के घर में ये ना कुत्ता घुमा रही थी येलो कलर के टॉप में, चॉकलेट कर रही थी मैंने देख लिया चश्मा पहन के। वैसे वाली चश्मा थी ना तो तेरे पास। और गाइस ये ऐसे बीच की नाम मिलती है, ऐसे दोस्ती अपना के दूर ले रहे, मतलब सब जगह जाती है ऐसी। और इसने ना पग बनाए तो बहुत बड़ा था मैं वो फोटो भी अगर होगी तो इंसर्ट करूंगी, ठीक है, इसके पग वाली। चलो चलो चलो, दोनों पे एक एक पॉइंट मिलता है, लिख लो दोनों एक एक पॉइंट। तो अब है जो मेरा सेकंड क्वेश्चन, वो है माय फेवरेट कलर, बहुत नॉर्मल सा है दिया। क्या है? ब्लैक। सो गाइस ये तो दोनों ने सही सही लिख दिया। अब है थर्ड क्वेश्चन, पूछो। मेरी ड्रीम वेकेशन जहां मैं जाना चाहती हूँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा अभी मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। केदारनाथ। हाँ वहाँ पे जाना ही चाहती हूँ, बट मैं लिखूँ वृंदावन। हाँ वहाँ भी जाना ही चाहती हूँ पर मेरी ड्रीम वेकेशन है, मैं बताऊँ? नहीं नहीं मैं बताऊँ। हाँ मतलब तुझे जहाँ मतलब, अच्छा मतलब तुझे लॉन्ग वेकेशन में जाना है जहाँ, मुझे पता हो सकता है केदारनाथ और वृंदावन तो जाने ही। चल वो तो वो हो गई, तुझे वेकेशन में जाना है। तुझे बाहर से जाना है कहीं, तुझे इंडिया के, इंडिया में जाना है कहीं। दार्जिलिंग। हाँ दार्जिलिंग जाना चाहती हूँ मैं। मैंने तो नहीं सुना तेरा दार्जिलिंग का सपना कभी। अबे मैंने तूने बोला था कि केरला अच्छी जगह है, तो मैंने कहा था दार्जिलिंग से ज्यादा अच्छी जगह, मैं तो दार्जिलिंग जाऊंगी। केरला ज्यादा सुंदर है पर दार्जिलिंग, मुझे पहाड़ पसंद है ना, तो इसलिए। चलो तो ये चीटिंग है, जरूर जीरो लिखो और एक देना चाहती ना कुछ एक, ठीक है दोस्त, तो मुझे गिफ्ट नहीं देना चाहती पर ऐसी चीटिंग तो मत करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। देखो मेरी फेसबुक में जो फर्स्ट आईडी थी उसका नाम क्या था? नहीं मुस्कान बिश्त, पता ही नहीं मुस्कान। मैं आपके अब मैं इसकी फोटो आपके यहाँ इंसर्ट करके भेजूंगी। इसका था विंग्स नहीं हूँ, तेरा क्या था? तेरा भी था क्यूटेक्स व्यूटेक्स? नहीं नहीं था, क्यूटी पाई था उसका, क्यूटी पाई था।
मुझे तो अच्छा ही था गाइस मेरा इसने रखा था मेरी आईडी का नाम एंजल मुस्कान बिश एंजल देख रहे हो गाइस एंजल पापा की परी है ये जीरो मिलता है ना मेरे कितने पॉइंट हुए नेहा इसके अभी इसको जीरो मिलता है इसको एक मिलता है ठीक है इक्वल है चलो सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये फेवरेट फूड जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती वो तो बहुत सिंपल है तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सब जानते हैं मेरे बारे में लिख लो दोनों एक एक पॉइंट लिख लिया और नेक्स्ट है माय बर्थ प्लेस मुझे पता है मैंने बहुत बार बताया उसको नहीं पता होगा इसको मैंने बताया नहीं इतनी बार यार मेरे को पेपर में नाम भूल गई गाइस छी दोस्त चंडीगढ़ देखो उसको पता पता है जो वो वाला कुछ इसको याद भी है चंडीगढ़ जो वो वाला जब हम लोग अमृतसर जा रहे थे मैंने बोला भी था ये मेरी बर्थ प्लेस है बाय बाय चंडीगढ़ अबे मुझे पता था तू कहां पैदा हुई कल ही बताया था कि चंडीगढ़ से फिर तुम पिथौरागढ़ कल ही बताया कल बताया था तुझे मैंने और मेरे को बहुत दिन पहले बताया था तो थोड़ा दिमाग से तो हट जाता है ना चीजें अरे हाँ मैं आज सुबह आज सुबह तो बता रही थी मैंने कहा हम सबसे पहले तो ये चीटिंग है ना गाइस सुबह बताया मुझे बहुत महीने पहले बताया हां हां मैंने बताया था कि हम सबसे पहले मेरे को यहां मैं याद करने की कोशिश करी थी नाम की जगह तब तक उसने बोल चलो तू तो उसे सारे आंसर बता के आई है भाई चीटिंग है गाइस चीटिंग हो रही है मेरे साथ अब चलो जीरो लिख जीरो यार अब नेक्स्ट है माय बिगेस्ट फियर ये तो पता होना चाहिए वैसा वाला फियर नहीं जो सच्ची वाला फियर है जिससे मैं बहुत डरती हूँ तमाशा मचा देती हूँ जॉब में इसके तो हर जगह फियर है अब ये बताओ कहाँ फियर है पर वो वाला सबसे खतरनाक है जैसे पानी और आग से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ मैं बताऊंगी बता खुशी तो बता पहले मेरा तो ये है कि फैमिली से मतलब फैमिली की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगी वो तो ये है ही और मैं बताऊं तेरा इसका 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 बताना है बताऊं मैं बता दूंगा खुशी हाँ कुत्ते से डरती है गाय जी और भैंस देख लेती है गाय देख लेती है ना तब तो बिल्कुल ही रोने लग जाती है मेरी पर तूने असली नहीं बताया रुक जा मैं बताऊं हाइट हर झूले में जाके मैं इतना रोती हूँ कुत्तों को देख के भी तो रोती है तो वो भी तो तेरा फियर है पर डॉग्स लवर भी हूँ मैं कौन सी डॉग अभी चार कुत्तों के सामने खड़ी कर दूंगी रोने लग चार नहीं एक ही कुत्ता यहीं पे रहता है वो व्हाइट कलर वाला उससे भी डरती है सही तो था ना मेरा किसको मिलेगा मेरे को क्योंकि देख मेरा सही है ना तू डॉग से भी डरती है तू तू हाइट से भी डरती है डॉग से गाय से मुस्कान डिसाइड करेगी कि इसको पॉइंट मिलेगा और तू गाय और भैंस से भी बहुत ज्यादा डरती है गाय से नहीं भैंस से और मैंने वो तेरे को भी बताया था एक दिन की यार काश मैं आऊं मैं, तो मैं... बताया हाँ चलो लिखो फटाफट शायद नहीं मेरे को बताया नहीं पर मुझे लग रहा है वही है हाँ कि मैं होती तो मैं कभी मिलना छोड़ती नहीं यार तुम लोगों ने कैसे बोलो बोलो चलो 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 लिखो पहले फिर दिखा मैंने बताया नहीं पर मुझे लगता है वही है दर्शन रावल हाँ दर्शन रावल हाँ क्योंकि आईआईटी में जब आया था तो मुस्कान बोल रही थी कि तुम क्यों नहीं गई हाँ मैंने कहा तुम क्यों नहीं गए यार मेरे पास होता नहीं मैं तो थी नहीं मरना मैं भी पक्का जाती मेरे भी फेवरेट है क्योंकि हाँ तो मैंने बोला था कि मेरे को दर्शन जी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो प्लीज प्लीज हमसे मिलने देहरादून आइए हम आपसे मिलने प्लीज दोबारा एक कॉन्सर्ट देहरादून में रखवाइए और पक्का आएंगे चाहे वो रात का मैंने आपके सारे गाने सुने हैं वो वाला भी बताए मेरा फेवरेट कौन सा है वो वाला क्या था तारे गिन गिन इश्क तेरे बिन किसी और से मुझे हुआ मेरे तो उनके सारे मुझे सारे सारे अभी भी मेरी ना हिस्ट्री में ना सारे दर्शन रावल के सॉन्ग होंगे जो मैं यूट्यूब पर सुनती रहती हूँ और मुझे पहला कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जो पसंद आया हाँ सिर्फ दिल से मेरे को वी लव यू दर्शन बोलो वी लव यू दर्शन बिग हार्ट ब्लू हार्ट ब्लू हार्ट हाँ मैं रेड हार्ट दूंगी पर वो ब्लू ध्यान नहीं दिया चलो नेक्स्ट अब नेक्स्ट है कि फेवरेट मूवी मेरी बहुत मतलब मैं मूवी बहुत कम देखती हूँ पर एक मूवी ऐसी है जो मैंने बहुत बार रिपीट में देखी शायद मुझे नहीं बताया कभी लेकिन शायद मुझे भी नहीं बताया
मुझे लगता है वो सिद्धार्थ और क्यारा की है और वो है जिसका लम्बिया लम्बिया हाँ, क्योंकि वो मूवी मैंने खुद मतलब 3-4 बार देखी है मुझे, क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड है तो मुस्कान को पसंद आएगी ऐसा नहीं है गाइस। एक हमारा दुश्मन है वो ब्लॉग देख लेगा। मूवी का नाम क्या था? शेरशाह। शेरशाह यार वो मूवी ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने उसका मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्या बताऊं बाबा आपको। चलो तो ये पॉइंट किसको मिलेगा? मुझे। हाँ जी उसे मुझे क्यों नहीं। अच्छा तो दोनों ने साथ ही मेरे रात ताल लंबी है। अरे हाँ इसको भी मिलेगा। सारी गाइस मैं भूल गई थी। चलो दोनों मूवी का नाम भूल गए थे दोनों। लिखिए। आई कांट बिलीव तुम लोग इतना जानते हो मेरे बारे में। दस लास्ट का क्वेश्चन है। नहीं अभी एक आध और है। किस एनिमल से मैं सबसे ज्यादा मतलब डरती भी नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा है कि मेरे को दिख जाएगा तो मैं सच में, जैसे डॉग्स वॉक्स से तो मैं डरती हूँ, पर ऐसा है कि मैं उसको देखना भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैंने तुझे बोला भी था एक बार कि मैं हर मतलब वो देखती हूँ, बट इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फियर है। घर पर भी मेरी मम्मी को पता है मैं बहुत डरती हूँ। ऐसी कौन सा ऐसा कौन सा एनिमल है? भैंस है ना? नहीं भैंस नहीं। ऐसा कौन सा एनिमल है मतलब तू उसे देखना भी पसंद नहीं करेगी अपने सामने? सांप कोई भी हो फिर वो कोबरा सांप हो लाल सांप हो मुझे सांप से डर लगता है गाइस। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं पूछूं? तो अब बैकी चाय और कॉफी? चाय। कॉफी। कॉफी। चाय मैं बहुत कम पीती हूँ है ना। हाँ। चलो एक पॉइंट लेस। हाँ। अब लास्ट है फेवरेट एक्ट्रेस। हाँ क्यारा अडवाणी। मूवी जब उसकी पसंद है तो लाइक तो यार टाइम देना चाहिए सोचने के पहले को देना चाहिए। हां मुझे रीसेंट प्यारी सी ये खुशी को दे देते हैं हम। चलो गाइस दिखाओ। चलो किसके कितने कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मेरे 10 है भाई। या फिर मैंने गलत गिने होंगे यार। 8 है 8 है ऐसे दो मेरे गलत। जीरो को भी गिन रही है सर हम। ये यार मैंने पता ढंग से नहीं लिखे पता है। मैंने ढंग से नहीं पर मैं इससे दो नंबर आगे हूँ। मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 बट गाइज आपको पता है खुशी मेरे से कितने टाइम से नहीं मिली फिर भी उसको इतना कुछ पता है। और इसको देखो गाइज दोनों कितनी प्यारी प्यारी दोस्त है मेरी। आपके पास इतनी प्यारी दोस्त है वालों को मिलती वो है। कौन सा कैप्शन था? बिकॉज द बेस्ट वंस इज माइन। और जो बेग था मेरे को याद है। आई हैव द बेस्ट वंस। हाँ वही बोल दो गाइस। ओके गाइस और देखा हम लोग कितने सुपीरियर हैं। और मुस्कान की बात है हम मोमोस खिलाएंगी। ओके हाँ और हम सिर्फ मुस्कान के ब्लॉग के लिए कैसे एडजस्ट हो रहे हैं ये भी देख लो प्लीज। हाँ बिहाइंड द सीन आपको दिखाएंगे लास्ट क्लिप में। एक चेयर में हम दोनों बैठे हैं और उस बिचारी को सूटकेस में बिठा रखा है हमने। तभी मैं इतनी लंबी दिख रही हूँ। हाँ तभी मैं इतनी लंबी लग रही है। और अगर आपको और भी अभी हमारे पास हमारे साथ खुशी और भी देना है तो अगर आपके पास और भी कुछ आइडियाज है तो आप प्लीज कमेंट करके बताना क्योंकि हमने बहुत डिस्कस करके ये वीडियो बनाने की सोची। और आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे तुम्हें गिफ्ट तो दिया नहीं? अरे हाँ गिफ्ट भी थे। लो दोस्त चलो दिखाओ क्या गिफ्ट दिया मैंने तुम्हें। आज लेके आई। हाँ वाओ फ्रेंड ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी भाई। वाओ पीछे लग रहा है इसमें ले देखो मेरी दोस्त बनना बहुत फायदे का काम है और हमारे जैसे दोस्त पाना। ओके फ्रेंड और अभी हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे? मोमोज खाने। हाँ अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने तो हम मिलते हैं मोमोज की शॉप में। तो चलो अब हम आपको हमारी फेवरेट मोमो की शॉप तो पता होगी। हाँ। ना गाइस हम आज भी अब हम माँ खुशी को मिलाएंगे आज खुशी को खिलाएंगे सॉरी क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले ये रुड़की से आई है ना तो रुड़की में तो बहुत ही ऐसा फास्ट फूड अच्छा नहीं मिलता है। अच्छी जगह है वैसे पर ना वहाँ पे थोड़ा मोमोज की थोड़ा दिक्कत है। हाँ क्योंकि वहाँ पे एक ही अच्छी शॉप मिलती है जो है सिक्किम फास्ट फूड। और तो अभी हम लोग जा रहे हैं
इसको अपनी फेवरेट शॉप के मोमोज खिलाने। तो अब हम आपको मिलेंगे बाद में। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। देखो मैंने झूठे वादे नहीं किए थे।